स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। तो सुबह सुबह भी आ गया हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन आज कल की तरह ही बादल भी लगा हुआ है और एक दो बारिश भी हो रहा है। तो आज मॉर्निंग वॉक के साथ थोड़ा सा काम है, तो अभी चलते हैं। बुनी पड़ रहा है, बादल लगा हुआ है, एक दो बुनी पड़ रहा है, बारिश हो सही। पिताजी भी चल रहे हैं, थोड़ा जनेरा लाना है काट के, जलावन है, जामुन पंगा हुआ वो लाना है, लेकिन अभी बुनी पड़ रहा है तो देखते हैं। दोस्तों अभी मैं लकड़ी लेकर के चल रहा हूँ और लकड़ी था पतला पतला सब, तो पिताजी कल ढो लिए, और ये मोटा मोटा है, भारी था तो ये रह गया था इतना। तो अभी चलते हैं ले करके, और पिताजी अभी रह गए हैं वो सामने पीछे बैक में, वो दिख रहा है झंखार पेड़ पौधा, वहीं पे जनेरा है तो जनेरा काटने लगे हैं। और मोबाइल का बटन ही काम नहीं कर रहा था, पानी पड़ गया था ना स्क्रीन पर, इसके लिए वहाँ पर कैमरा ही चालू नहीं हो रहा था, तो जल्दी से उठा के चल दिए। अभी पहुँच के चालू किया कैमरा तो हो गया। और अभी बारिश थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है, बुनी पड़ रहा है, तेज बुनी पड़ रहा है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रहा लेकिन बुनी जो है ना तेज पड़ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा शर्ट गीला हो गया है, अभी भी बुनी पड़ ही रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, तो यही रास्ता है दोस्तों खेत वाला, आरी वाला, देख सकते हैं इधर मुखी है और इधर जो है ना मूंग का खेती है। और दोस्तों फिर बारिश तेज होने लगा क्योंकि छूट गया था, दुहारी है लकड़ी, चलते हैं जल्दी से लेकर के, और बारिश भी हो रहा है। तो दोस्तों बारिश अभी तेज होने लगा है, देख सकते हैं पानी लग गया थोड़ा थोड़ा। यहीं पे रखते हैं, और कल जो है ना यही ढोया हुआ था, तो इसको कहाँ पे रखते हैं। यहीं पे रख दिए। तो चलिए दोस्तों अभी आ गए, और अभी बारिश थोड़ा करके देख सकते गीला कर दिया है जमीन को। अभी चलते हैं कपड़ा को सरिया लेते हैं, अभी लाइट कटा हुआ है, अभी देख सकते हैं अंदर में अंधेरा है, तो देख सकते हैं चलते हैं सरिया लेते हैं इसको, और झोला भी सरियाना है, गमछा भी, सबको सीधा से सरियाना है, तो सबको सरिया लेते हैं। अभी तो बारिश हो रहा है लेकिन बारिश होगा नहीं, ऐसा ही बुनी पड़ रहा है, तो चलते हैं सबको सरिया। तो दोस्तों टाइम अभी 7 बजने वाला है, और अभी एरेट का वहाँ भी सरिया रहे हैं इस वाले में का, और देख सकते हैं अभी बंडी उंडी सरिया रहे हैं, गमछा उमछा सरियाने का है, झोला वही सरियाने का है, लेकिन टाइम सवा सात हो रहा है लेकिन बारिश तेज हो रहा है। दिखाते हैं बाहर का भी, इस तरह का मौसम हो गया है, तो आ जाए ना आज बारिश का मौसम है, तो चलिए अभी सरिया लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली सारे माल को सरिया लिया, देख सकते हैं गमछा भी इधर हो गया है, और झोला भी हो गया, और इधर कैरेट भी हो गया, सारा रेडी हो चुका है, और इतना माल बच गया है, देख सकते हैं गमछा 3 चौका है बचा हुआ, नहीं तो सारा लगा लिया इसमें, इसमें 33 पीस है नहाए। तो चलते हैं दोस्तों स्नान स्नान बरस वस करके कर लेते हैं, और बुनी अब तो भी पड़ी रहा है, अभी अब बादल पूरी तरह से भी लगा हुआ है, देख सकते हैं एक दो फुन फुन आ रहा है, नहीं तो बादल लगा हुआ है। अभी चलते हैं स्नान करने, खाना भी बन चुका है, तो अभी आ गया छत पे, और अभी चलते हैं बरस कर लेते हैं, इधर रखा हुआ है बरस जीबिया से, तो करते हैं। अब पानी भी लाया हूँ बाल्टी में, क्योंकि अभी लाइट कटा हुआ है, पानी में लाया है, एक बाल्टी भरा हुआ है, इससे स्नान हो जाना चाहिए, तो चलते हैं ऊपर ही स्नान कर लेते हैं बरस करके। फाइनली दोस्तों अभी स्नान स्नान मैं कर लिया, अभी लाइट कटा हुआ है, ऐसे ही बाल्टी से स्नान करना पड़ा है, बाल्टी से पानी भर के। तो चलिए अभी खाना खाते हैं, तो खाना भी आ गया है, देख सकते हैं नींबू, कहाँ नींबू, ये तो ठीक है दोस्तों, खाते हैं, चावल है, दाल है, सब्जी है, और तिलौरी है चावल का,
खाते हैं। सरवन लाया है खाना, देख सकते हैं इधर है, तो खाना खाते हैं। फाइनली दोस्तों अभी खाना ना खा लिया और अभी चलना है फेरी में, लेकिन देख सकते हैं आज का मौसम कैसा है, पूरा अंधेरा किया हुआ है, चारों ओर से बादल लगा हुआ है और सुबह से ही बूनी पड़ रहे हैं, तो आज नहीं जाएंगे, देखते हैं धूप खुलेगा 12 बजे से तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, तो चलते हैं तब तक बुक रीड कर। आ गया नीचे और दोस्तों देख सकते हैं ये सारे हमारा किताब है, देख सकते हैं। तो आज कौन सा किताब पढ़ेंगे, आज है ना एक निकाला हुआ हूँ इधर, देख सकते हैं ये वाला किताब पढ़ेंगे, तो चलते हैं दोस्तों पढ़ते हैं। और दोस्तों किताब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ने से दोस्तों नॉलेज मिलता है, अच्छे अच्छे जानकारी मिलता है, कुछ नए जानकारी मिलता है और साथ ही साथ काम करने का हौसला मिलता है, जीने की अच्छी राह मिलता है, शिक्षा मिलती है किताब पढ़ने से, और बुद्धिमान तो होते ही है, साथ में हर चीज़ के बारे में जानकारी भी हो जाता है, इसलिए किताब पढ़ना ज़रूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी यही कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, जब समय मिले तब पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो हर चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगा, जिसके वजह से आप कहीं से बेवकूफ नहीं बन पाएंगे, बुद्धिमान बनेंगे। तो इसके लिए जो है ना और सेल्फ हेल्प में भी बहुत मदद मिलता है, तो इसके लिए किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो समय निकाल कर पढ़ना चाहिए, कितना भी काम कर रहे हैं, कितना भी बिजी है, फिर भी थोड़ा सा भी दिन का 10 मिनट 15 मिनट भी कम से कम जरूर पढ़ना चाहिए किताब प्रतिदिन, तो अच्छा रहता है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे जो फीलिंग होता है वो मैं आप लोगों को जितने शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा होता है और अच्छी अच्छी जानकारी मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि काम करने को बहुत ही अच्छा मन करता है। चलिए दोस्तों अभी चलते हैं किताब पढ़ते हैं। 11:30 हो रहा है दोस्तों और अभी मैं पूरी तरह से लोड कर लिया, देख सकते हैं, और अभी मैं घर से निकला हूँ, तो निकल चुका हूँ, जैसा है बॉर्डर है तो गांव से निकल चुका, फर्स्ट बोहनी कब होता है देखते हैं, 11:45 अभी हो रहा है, तो चलिए फर्स्ट बोहनी होने के बाद फिर मिलते हैं। दोस्तों घर से चला हुआ 1.25 घंटा 1 घंटा हो गया, 1 घंटा अभी 12:45 हो रहा है और अभी बोहनी हो चुका है, 350 का सेल हुआ है, बंडी उंडी और नाइटी उटी मिला करके, तो चलते हैं फिलहाल घूमते हैं अगले गांव की तरफ। तो अभी मैं चिड़िया गांव घूमा हूँ, चिड़िया के बाद अभी चलते हैं चकफतिया की तरफ, और दोस्तों हमारे गांव की तरफ उधर हुआ है बारिश और इधर बारिश नहीं हुआ है, इधर गांव से हमारा 5-6 किलोमीटर इधर दक्षिण साइड में बारिश नहीं हुआ है, तो इधर पूरा खेत खाली है, थोड़ा भी इधर बारिश नहीं हुआ है, चलते हैं घूमते हैं और चकफतिया घूम करके फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी टाइम 6:30 होने वाला है और अभी 1-2 बजे के बाद जो है ना एक ही गांव चकफतिया में ही रह गया हूँ, इसी गांव में बिक्री हुआ है और ज़्यादा सेल नहीं हुआ है, लेकिन मोल भाव इतना ज़्यादा होता है इसीलिए दोस्तों नया आदमी जल्दी छोड़ देता है, हमारे सामने में नया आदमी किया 3-4 आदमी और काम छोड़ दिया, इतना ज़्यादा मोल भाव होता है, इतना ज़्यादा मोल भाव होता है कि खरीदारी रेट से भी बहुत कम रेट लगता है, कैसे फिर भी हम नहीं बेचते, हम तो था जान गए हैं कि कितना में खरीदारी है, कितना में सब बेचता है, सब झूठ बहुत बोलता है कि इतना में मिलता है, इतना में मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोलभाव होता है, इसलिए नया आदमी जो भी आता है वो छोड़ के जाता है। तो अभी दोस्तों 6:30 होने वाला है, अभी चलते हैं सीधे घर की तरफ, क्योंकि टाइम बचा है कितना, जाते जाते अंधेरा हो ही जाएगा, तो चलते डायरेक्ट घर की तरफ। अरे दोस्तों भी आ गया घर और आते आते अंधेरा हो गया पूरी तरह से, देख सकते हैं इधर पूरा अंधेरा हो गया है, तो चलिए अभी चलते हैं खाना खाते हैं। दोस्तों यही खाना है, सब्जी रोटी परवल के, तो चलिए खाते हैं। और सरवन पानी लेकर आ गया, देख सकते हैं खा ले सरवन, खा ले ले, अच्छा खा ले, 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 1, 2, 3, 2560।
360 70 80 90 100 10 26 1 2 3 4 7 8 9 10 28। दोस्तों 2800 रुपया है, 500 रुपया लेकर गया हुआ था, तो हो जाता है 2300। तो 2300 का सेलिंग हुआ है। एक ही गांव, दो ही गांव में घूम पाए हैं, बस दो ही गांव में जिंद कर लिया सारा पैसा। 2300 का सेल हुआ है आज का, 12 बजे से निकले हुए थे, तो 2300 का सेल हुआ है। 3 गांव में टोटल सेल हुआ है, ऐसे जाते जाते 300 का हुआ सेल रास्ते में, और 2 गाँव घूमे हैं। तो दो, एक गाँव में तो 200 का, एक गाँव में 2-3-5-500 इधर हो गया, आई एक गाँव में 1700 का सेल हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। एक ही गांव में शाम हो गया है, 2 बजे से लेकर शाम हो गया है, 1:30 बजे से शाम के 6:45 बजे तक, इतना बहुत ज़्यादा मोल भाव होता है। मोल भाव के चक्कर में 4 घंटा रेस्ट, 4 घंटा टाइम लगा है, लेकिन 1700 का सेल भी हो गया है। तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम, मोल भाव बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसीलिए जो भाई नए फेरी करना करते हैं ना, किसी को देख करके या जिसको बहुत मन रहता है फेरी करने का, अपना काम करने का, बिजनेस करने का, वो करते हैं, तो इसीलिए वो उकता करके छोड़ देते हैं, क्योंकि मोल भाव इतना ज़्यादा होता है कि इतना रेट लगाएगा, आप जितना खरीदते हैं उससे 10-20 रुपया ज़्यादा देगा, या बहुत ग्राहक जो है ना उससे भी कम लगाएगा, तो उकता करके ऐसे ऐसे बात बोलेगा, ऐसे ऐसे बहुत झूठ बोलता है कि वो इतना में देता है, इतना में देता है, लेकिन कोई उतना में नहीं देता है, सबको खरीदना रहता है, तो झूठ बोल के कैसे भी उसको खरीदना है, तो झूठ बोल के सस्ता करवा के लेता है मोल भाव करके। तो हम तो जानते हैं, हम तो 4 साल 20, 21, 22, 23, 24 5 साल हो गया पूरी, इसी समय गर्मी में ही मैं स्टार्ट किया था, 5 साल हो गया, तो मैं तो पूरा जो है ना, मुझे था चल गया है कि किस तरह से कस्टमर बात करता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बोलता है इतने में देखा जाता है, मैं बोलता हूँ उसी से ले लो, जिससे आप लेते हो उतना में उसी से ले लो, मेरे से मत लो, तो मुझे तो पूरा पता चल गया है, तो मैं नहीं देता हूँ, कितना भी कम करवाता है फिर भी मुझे जितना में बेचना है, मैं सोच के चलता हूँ जितना में बेचना है उतना ही बेचते हैं। हाँ, ज़्यादा मोल भाव होता है तो करते हैं, लेकिन मैं अपना प्रॉफिट देख करके ही कम करता हूँ, जितना बेचना है उतना ही बेचते हैं, हमको कैसे भी 20-30%, 35% हमको मुनाफा चाहिए, जैसे भी हो, अगर 20-30% नहीं होगा, 35% तो नहीं बेचेंगे, कम से कम 20% तो होना ही चाहिए, 20% अगर कम हो, 20% से अगर कम हुआ तो नहीं बेचते हैं। ग्राहक सब ऐसा रेट लगाता है कि 10%, 5% ऐसे बचने वाला, तो उतना में थोड़ी नहीं बेचेंगे, जब पूंजी लगा है तो कम से कम 20 से लेकर ऊपर 20%, 25%, 30% ऐसे बचना चाहिए, ऐसे तो कोई कोई में 40%, 50% बच जाता है, लेकिन कम से कम 20% से कम प्रॉफिट जब तक नहीं होता है तब तक नहीं देते हैं। तो मुझे पूरा पता चल गया है, इसलिए मैं बहुत ही हर के बेचता हूँ, इसीलिए ज़्यादा ग्राहक मोल भाव करता है ना, हर के बेचता हूँ, इसीलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो कल भी एक ही गाँव, एक ही टोला में लग गया था 4 घंटा, आज 5 घंटा लगा है एक ही गाँव में, लेकिन सेल ठीक हो गया। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू ब्लॉग्स में, भी इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।